ऋषियों की विरासत को, क्रांतिकारियों की शहादत को, कौन कमजोर कर रहा मेरी देश की युवा ताकत को। एक वो थे जो 21 साल की उम्र में जान पे खेल गए थे, और एक ये हैं जो 21 साल की उम्र में वीडियो गेम खेलते हैं। मेरा आज का मैसेज 15 अगस्त के दिन यूथ के लिए है मेनली, उसके लेकिन पहले मैं 3-4 लाइनें जरूर बोलूंगा। सबसे पहले तो मैं भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की अनेकों अनेक बधाइयां देता हूं। और इस 15 अगस्त के दिन आज हम एक खुले माहौल में जी पा रहे हैं, हमारी जो इच्छा है हम वो करते हैं। इसके पीछे की जो एकमात्र वजह है वो है हमारे 1947 के पीछे अनेकों अनेक क्रांतिकारियों का बलिदान, उनकी लड़ाइयां, उनके सैक्रिफाइसेस। और 1947 के बाद से 2020 तक हमारे डिफेंस का संघर्ष और हमारे डिफेंस का सैक्रिफाइस, इन दोनों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम 15 अगस्त हमेशा सेलिब्रेट करते हैं, जबकि वास्तव में 15 अगस्त इज नॉट द ओनली डे टू सेलिब्रेट, वी शुड सेलिब्रेट अवर इंडिपेंडेंस ईच एंड एवरी डे। ये तो एक सिंबॉलिक डे है सिर्फ कि हाँ 15 अगस्त 26 जनवरी हम बातें करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमें डेली अपनी स्वतंत्रता को एक बार सलाम करना चाहिए, और हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो स्वतंत्रता हमें मिली ये किन लोगों की वजह से मिली। कहीं ना कहीं जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लोग थे, हमारे क्रांतिकारी लोग थे, हमारे डिफेंस के लोग हैं, ये हमको, आपको, सभी आम जनों को कर्जगीर कर गए हैं। हम सबके ऊपर एक बहुत भारी कर्जा है, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से पेरेंट्स का, माता पिता का अपने बच्चों पे कर्जा होता है, उस कर्जे को कभी हम चुका नहीं सकते, उसी प्रकार से इन क्रांतिकारियों का, इन डिफेंस के लोगों का, डिफेंस के लोग हमारे देश के लिए बहुत बड़ी ताकत हैं, बल्कि इनका हमारे देश में सर्वोच्च स्थान है अगर मैं तत्कालिक भारत की बात करूं तो हमें, हमारे पास ये हमारी क्षमता नहीं है कि हम इन लोगों के द्वारा चढ़ाए गए कर्ज को चुका सकें या चुकाने की सोच भी सकें, ना ही हम इसे चुका सकते हैं। हां, मैं ये जरूर कहूंगा कि हम इस कर्ज को कुछ हल्का जरूर कर सकते हैं, अपने मन को तसल्ली देने के लिए कुछ हल्का जरूर कर सकते हैं, और वो कैसे, बहुत आसान है, बहुत आसान है, भारत की प्रगति में अपना योगदान देके। बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है जो कहीं नौकरियां कर रहे हैं, जॉब में हैं, और बच्चों से तो मेरी रोज ही बात होती है। कई बार मुझे ऐसा सुनने को मिल जाता है जो लोग जॉब कर रहे हैं वो कहते हैं कि भाई मैं तो जॉब कर रहा हूं, मैं कंट्री को योगदान कैसे करूं, अलग से मैं कोई काम कैसे करूं। या फिर कोई बच्चा कहता है सर अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूं, अभी मैं कैसे कंट्री के लिए कुछ कर सकता हूं। तो मैं उन सभी लोगों को हमेशा बोलता हूं, और इस वीडियो के माध्यम से भी मैं सभी को बोल रहा हूं कि हर वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा है, अगर वो अपनी नौकरी को पूरी शिद्दत के साथ करता है, पूरी ईमानदारी के साथ करता है, तो वो देश को एक बहुत बड़ा योगदान कर रहा है, देश की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। आज हमारे देश में टॉप टू बॉटम लगभग हर जगह, बहुत कम जगह छोड़ दीजिए आप तो लगभग सभी जगह करप्शन, करप्शन एंड करप्शन, हर जगह आपको करप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप खुद को उस करप्शन के चक्रव्यूह से बचा ले जाते हैं, और आप एक ईमानदार कर्मठ व्यक्ति की तरह से आप अपना काम करते हैं, तो आप देश की प्रगति में निश्चित तौर पे अपना योगदान दे रहे हैं, और ये कम नहीं है। और उन बच्चों को जो 12th क्लास में है, 11th क्लास में है, या 6th, 7th, 8th, 9th, 10th में है, या बीटेक कर रहे हैं, उन सभी को मैं ये बात बोलूंगा, आप देश के लिए सबसे बड़ा काम कर सकते हैं। इतना बड़ा काम कोई नहीं कर सकता जितना बड़ा देश के प्रगति में आप योगदान दे सकते हैं, और वो है खुद अपनी पढ़ाई को पूरी निष्ठा के साथ करके। अगर भविष्य में आप खुद को एक आत्मनिर्भर व्यक्तित्व के तौर पे, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे जो एक आत्मनिर्भर है, स्थापित कर पाते हैं, तो ये इससे बड़ा हमारे देश के लिए मेरी नजर में दूसरा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता, दूसरा कोई तोहफा नहीं हो सकता। उसका रीजन ये है कि अगर प्रत्येक बच्चा ये सोच ले कि मुझे आत्मनिर्भर बनना है, तो एक दिन वो आएगा 15 से 20 साल के बाद, वो दिन आपको देखने को मिलेगा जब
हमारा देश आत्मनिर्भर होगा और शायद उससे बड़ी सफलता इस देश की कभी नहीं होगी। इवन जो हमारी नई पॉलिसी आई है एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी इन चीजों पे बल दिया गया है। आज हमारे 2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल ही नहीं जाते, तो उसमें यह बल दिया गया है कि हम 2 करोड़ बच्चों को भी स्कूल में एडमिशन दिलाएं, 100% बच्चे हमारे स्कूल के अंदर एनरोल करें। तो आपका सिर्फ एक उद्देश्य होना चाहिए, खुद को आत्मनिर्भर बनाना। इससे बड़ा देश को योगदान आप इस स्थिति में कुछ नहीं दे सकते। और अगर कोई बड़े लोग जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या कोई और भी देश को योगदान देना चाहता है इसके अलावा भी, तो बिल्कुल ये बहुत ही सराहनीय कदम होगा। अगर आप अपने डिफेंस में योगदान दे पाए तो ये बहुत ही जबरदस्त बात होगी, आपको एक आंतरिक संतुष्टि मिलेगी जिसकी बराबरी किसी और काम को करने से आपको नहीं होगी। लेकिन मैं यहीं पर एक बात और मेंशन करना चाहूंगा। आज की डेट में बात तो अपन 15 अगस्त को करते हैं, 26 जनवरी को करते हैं, कई बार मोटिवेशनल वीडियोस भी बच्चे देखते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है कि जो हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं वो बच्चे कर ले जाएं। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, वो मैं आप लोगों के सामने आज एक एग्जाम्पल के थ्रू रखूंगा। आजकल एक विनोद नाम का एक मेमेट ट्रेंड कर रहा है, मैं उसकी भी बात आपसे यहां पर करूंगा। और मैं आपको एक रिसर्च भी बताता हूं कि 1900 से लेके 2000 तक जो लोग जन्म जिनका 1900 से 2000 के बीच में हुआ है उनमें आईक्यू लेवल वे लगातार बढ़ रहा था, उनका आईक्यू लेवल लगातार बढ़ रहा था। लेकिन 2000 के बाद जिन बच्चों का जन्म हुआ है जिनकी उम्र आज 20 साल है उससे कम है, उनके आईक्यू लेवल में लगातार आप डिक्रीमेंट देखेंगे। और उस रिसर्च में बताया गया है कि इसका एक मूलभूत कारण हमारा सोशल मीडिया हो सकता है, उसकी बड़ी भारी संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। और उसके पीछे के लॉजिक्स मैं आपसे जरा सा बात करना चाहता हूं। यूथ, एक युवा, एक बच्चा हमेशा क्यूरियस होता है और उस पर चीजों का असर भी ज्यादा पड़ता है। हमेशा एक बच्चा अपना रोल मॉडल तलाशता है, वो सोचता है मैं किसकी तरह बनूं, वो संसार में लोगों को देखता है। यहां पे मैं उन बच्चों की बात करूंगा जिनके पेरेंट्स देश के लिए ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं जो बच्चे डिफेंस से रिलेटेड घरों में पैदा हुए हैं, वो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि उनके लिए रोल मॉडल उनको घर से बाहर कहीं जाना ही नहीं है, उनके घर के अंदर ही सर्वोच्च स्थिति में बैठा हुआ एक रोल मॉडल आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन जनरली हर घरों में ऐसा नहीं हो पाता, तो बच्चे अपने रोल मॉडल्स को तलाशते हैं। आज फेसबुक एक सभी की पहुंच में एक चीज बनी हुई है, बच्चे फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया बात बताऊंगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोली। बच्चे जनरली फेसबुक पे जब कुछ सर्फ करते हैं, यूट्यूब पे सर्फ करते हैं, तो ये भी एक रिसर्च है कि जो बुरी चीजें होती हैं वो हमारे ब्रेन को ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, ज्यादा आकर्षित करती हैं। और जब कोई बच्चा फेसबुक पे या यूट्यूब पे अपने रोल मॉडल्स को चूज कर रहा होता है तो वो ऐसे वीडियोस की तरफ कई बार ज्यादा आकर्षित होता है जो बुरे हैं। 10 में से 8 बच्चे बुरे वीडियो की तरफ, बुरी पोस्ट की तरफ आकर्षित होते हैं, और उन 8 बच्चों के आकर्षित होने की वजह से उस वीडियो पे ज्यादा क्लिक्स होते हैं, जिससे वो दूसरे बच्चों को भी सजेशन लिस्ट में वीडियो दिखने लगता है। और एक समय आता है, एक टाइम आता है जब वो वीडियो ट्रेंडिंग हो जाता है, और ट्रेंडिंग जब हो जाता है तो उस वीडियो को बनाने वाला एक सेलिब्रिटी बन जाता है। और उस समय के बाद जब बच्चे उस वीडियो को देखते हैं तो वो ये कहते हैं मैं एक सेलिब्रिटी का वीडियो देख रहा हूं, जबकि वो वीडियो एक सेलिब्रिटी का क्यों बना उसकी आप तह पर जाके देखिए कि एक्चुअली हुआ क्या। और उस स्थिति में कई बार पेरेंट्स भी उस बच्चे को मना नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चा ये जवाब देता है मैं एक सेलिब्रिटी का वीडियो देख रहा हूं, जहां इतने बच्चे देख रहे हैं, इतने लोग देख रहे हैं, तो अगर मैं देख रहा हूं तो इसमें क्या बुराई है, कुछ अच्छा ही होगा। यहां से शुरुआत होती है माइंड के डिस्ट्रैक्शन की, और यहां से शुरुआत होती है अपने एक्चुअल रोल मॉडल्स को छोड़ने की। एक्चुअल रोल मॉडल्स कौन? अगर मैं आपसे बात करूं तो सोशल मीडिया में सब कुछ है, सिर्फ एक चीज छोड़ के, और वो है हमारे क्रांतिकारियों का परिचय। क्रांतिकारियों से रिलेटेड वीडियोस हैं लेकिन ट्रेंड नहीं करते। लोग अगर उसे खोलेंगे तो वो 2 मिनट में उसे ऑफ करके दूसरा वीडियो चलाएंगे, तो वो ट्रेंड कैसे करेंगे? हमारे डिफेंस के लोगों के बातें, कारगिल में शहीद हुए लोगों की बातें, ये चीजों की आपको कमी मिलेगी
साइंटिस्ट की बातें, ये चीजों की आपको कमी मिलेगी सोशल मीडिया के अंदर। और यही वजह है कि बच्चा सही रोल मॉडल को चुनने की बजाय एक गलत रोल मॉडल को चुनता है और वो एक गलत राह पर अग्रसर हो जाता है। तो सबसे पहले तो यहां मैं पेरेंट्स को भी ये बात बोलूंगा कि आप जरूर इस बात पे वॉच रखें कि आपके बच्चे कौन से वीडियोस देखते हैं, कौन सी पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, कौन सी पोस्ट को फॉलो कर रहे हैं। एक टाइम हुआ करता था, अगर मैं अपनी बात करूं, हमारे टाइम पे यूट्यूब नहीं था, या यूं कहें था तो इंटरनेट नहीं था, हमें साइबर कैफे में जाकर के काम करना पड़ता था, उसमें 10 रुपए एक घंटे के या आधे घंटे के लगते थे और 10 रुपए भी उस समय काफी होते थे, हम नहीं जाते थे रेगुलर। फेसबुक तो 2010 के बाद लॉन्च हुआ है। अगर हम किसी गलत संगति में पड़ जाते थे तो देर सवेर हमारे मम्मी पापा को वो पता चलता था, उस लड़के के बारे में पता चलता था, वो मुझे डांट डपट देते थे या उस लड़के को डांट डपट देते थे कि मेरे लड़के से आगे से मत मिलना, और हमारी संगति खत्म हो जाती थी। लेकिन आज वो बच्चा, वो बुरी संगत का बच्चा आपके घर प्रवेश कर रहा है, मेन गेट से नहीं बल्कि फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जो आपको नजर नहीं आ रहा है लेकिन वो बहुत गहरे रूप में आपके अंदर प्रभाव डाल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय, इसका मैं एग्जाम्पल आपको आज की एक इंसिडेंट से दे रहा हूं। आज मैंने एक यूट्यूब पे पोस्ट लगाई जिसमें एक वीडियो था, नन्ना मुन्ना राई हूं, देश का सिपाही हूं, और उस यूट्यूब पे जो मेरी पोस्ट थी उस पे एक कमेंट आया, उस कमेंट पे लिखा था विनोद। विनोद आपको पता होगा आजकल ट्रेंड कर रहा है, विनोद बी बॉम्बे, है ना, विनोद नहीं, बी BINOD। मुझे भी अभी 2-3 दिन पहले बच्चों के माध्यम से ही पता चला कि व्हाट एग्जैक्टली विनोद इज। उस बच्चे ने उसमें विनोद लिख रखा है। मैं आपको बता देता हूं विनोद का मतलब, जिन लोगों को नहीं पता है, और ये मैं बहुत अच्छी बात मानता हूं अगर ये आपको नहीं पता है, विनोद इज अ सिनोनिम ऑफ गार्बेज। विनोद इज अ सिनोनिम ऑफ गार्बेज। वो बच्चा उस वीडियो के नीचे विनोद टाइप कर रहा है, मतलब दैट पर्टिकुलर वीडियो इज अ काइंड ऑफ गार्बेज फॉर हिम। नन्ना मुन्ना राई हूं, देश का सिपाही हूं, इज अ गार्बेज फॉर दैट पर्टिकुलर गाय। मे बी कि वो मेरी इस बात को सुनने के बाद अपना पोस्ट डिलीट कर दे, लेकिन मैं आपको ये मेंटेलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक देश के लिए बनाया गया वीडियो, एक देश के प्रति समर्पित वीडियो को एक बच्चा गार्बेज कह रहा है। आप सोचिए वो किस दिशा में अग्रसर है। और ये हमारा नौजवान बनने वाला है, या हो सकता है वो एक नौजवान हो, मुझे नहीं पता उसकी उम्र क्या है क्योंकि उसने तो कमेंट किया है। तो ये एक बड़ा ही चिंतनीय विषय है। अब एक दूसरी बात भी हो सकती है यहां, मैं उस बच्चे को गलत एकदम से नहीं कहता, मैं ये भी कह सकता हूं हो सकता है उसे विनोद का एक्चुअल मतलब ही ना पता हो, तो वो क्या कर रहा है, वो जस्ट भेड़ चाल फॉलो कर रहा है, वो बिल्कुल उसी तरीके से लगा हुआ है कि भाई ये ट्रेंड कर रहा है तो मैं भी इसमें सपोर्ट करता हूं। वो इस बात की तह तक जा ही नहीं रहा कि वो ट्रेंड क्यों कर रहा है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बात बताई कि ट्रेंड क्यों कर रहा है, क्योंकि गलत चीजों का प्रभाव ज्यादा होता है। बल्कि मैं आपको ये भी बात बता देता हूं, गलत चीजों का प्रभाव ज्यादा होता है इसलिए ही वो आज ट्रेंड हुआ है। और मैं आपको ये बात बता देता हूं कि विनोद के अंदर हमारे कंट्री को ही, कंट्री का ही अपमान किया गया है। आप अगर आप उसकी तह पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली विनोद इज। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आप अपने रोल मॉडल्स को देखिए कि आप किसको पिक कर रहे हैं बच्चों को। और इसको ध्यान में रखते हुए मैंने भी एक चीज सोची है कि मैं YouTube पे, मेरा एक चैनल भी है जिस चैनल पे मैं इस वीडियो को भी अपलोड कर रहा हूं, थोड़े थोड़े दिनों के बाद कुछ अपने पुराने क्रांतिकारियों का, कुछ हमारे डिफेंस के लोगों का, कुछ अलग अलग लड़ाइयों में शहीद हुए जवानों का मैं आपको एक छोटी सी बायोग्राफी 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कोई उसे देखे ना देखे लेकिन मेरे खुद के स्टूडेंट्स जो मेरे से पढ़ते हैं वो निश्चित तौर पे मेरे से बड़े अटैच्ड रहते हैं। ये मैंने हमेशा देखा है, मेरे पढ़ाए हुए हमेशा बच्चे मेरे से अटैच्ड हैं, तो उनको जरूर मैं कह सकता हूं कि बेटा इस वीडियो को आपको देखना है, 10 मिनट का समय देना है, और हो सकता है कि वो अपने दोस्तों को भी दिखाएं। ये मेरी इसमें पहल है, और आप सब भी देश के लिए अपने अपने तरीके से जो कर सकें वो करें, और अगर कुछ नहीं तो अपनी जो भी हम काम कर रहे हैं उसे पूरी निष्ठा के साथ करें, हम अपने देश में योगदान जरूर देंगे। आज के मैसेज के साथ मैं इस बात को खत्म करता हूं, और बहुत जल्दी आपको एक वीडियो, मेरा नेक्स्ट वीडियो मिलेगा किसी ना किसी क्रांतिकारी के ऊपर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।